ऑल राइट, सो डे थ्री में बेसिकली कल यार बहुत थक गया था मैं बिकॉज ऑफ द बीच, तो जल्दी सो गए। आज जो है वी गोइंग टू डेरा टू सी के वहाँ कुछ शॉपिंग शॉपिंग का सीन है, पैसे लगाएंगे थोड़े बहुत। और यहाँ से तकरीबन डेरा जो है ना, ये हमारे होटल से शरफ डीजी के ऊपर कहीं पे आता है, तो करीब ही है। और कह रहे कि 27 मिनट्स बाय द बस, तो मैंने कहा चलो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो दिस इज डेरा, वेरी ओल्ड लुकिंग, लग ही ना दुबई आए हैं, लग रहा है कोई ना बड़े ही पुराने किस्म के क्वेटा आए हैं, क्वेटा लग रहा है वाकई, सही बात है, क्वेटा ऐसे ही है एक्चुअली। तो अब आई डोंट नो, है तो मतलब बसें जैसे साफ सुथरा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आई कि ये इतना ओल्ड इन्होंने रखा हुआ है, शायद इन्होंने अपने हिसाब से ही ना सारा कुछ वो किया हुआ है कंजर्व करने के लिए। जा रहा है वैसे अपने अपने हिसाब से जा रहा है, अपने हिसाब से। अच्छा भाई, अब हुआ ये कि मैं आया हुआ था, गोल्ड से जा रहा था, रास्ते में मुझे ना ऐसे सेल्समैन मिला कि हमारे पास बैग हैं, आप देखना चाहते हैं गुची अरमानी है वो। मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ बैग देखने चलते हैं। वो अंदर कहीं ले गया, उधर जाके कहता है कि 500 दिरहम का एक बैग। मैंने कहा दिमाग सही है, 500 दिरहम का एक बैग, ये तो आप वो वाली पैसे बता रहे हो जो ओरिजिनल बैग। कह रहे नहीं नहीं ये वो बड़े महंगे होते हैं लाखों में ही। अच्छा जानते जाते हैं, मैंने इसमें 8000 का एक बैग दूंगा। वो 8000 की वैल्यू कोई नहीं थी, वो रेगजीन के बैग थे, और 8000 भी मान गया जब हम निकलने लगे, वो ड्रामबाजियाँ कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे आके ये वाला आपने काम नहीं करना, इधर से कोई भी चीज़ दे रहा से ना, एक्सेप्ट फॉर कोई अगर आप नॉन जानने वाला हो वो आपको ले जाए तो ठीक है, वरना यहाँ से चीज़ें लेने का फ़ायदा नहीं है, देर ऑल फेक एंड वेरी बैड स्टफ। ये सबसे प्यारी लग रही है, बड़ी बिग डायमंड ये एक ये अच्छी लगी। और एक वो जो पड़ी हुई है ना, ये वो जो गोल सा वो बना हुआ है, वो बहुत क्यूट लग रही है, बिग डायमंड गोल्ड। अच्छा गोल्ड है, गोल्ड के पड़े वाले बड़े हैं, बड़े ये इंडियन लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं। ये देखो, ये तो खास इंडियन डिजाइन है, देख रहे हो, ओह माय गुडनेस, कौन लोग होते होंगे जो ये हार गोल्ड, ये जो चीजें होती है ना फेक होती है, उनको बताना पड़ता है ऐसी बनानी है। ये क्या, ये वो वाला नहीं है, ये है। अच्छा हाथों में लगा तो नहीं है। Three way soup. Oh my goodness. काफ़ी बड़ी बिग प्लेस है गोल्ड के लिए, फन ओनली। ये अहम कौन होगी जो इतने बड़े बड़े जो है ना गोल्ड के कड़े और हार पहनते होंगे, बादशाह पहनते होंगे शायद। हाँ वैसे ये सही है कि पर्स भी अंदर, महाराजा, ओह माय गॉड, जिनों के हाथों की रिंग्स हैं। Nice.
ये देखो ना, ये वॉलेट भी अंदर डाल दिया उन्होंने, वाला नहीं है इसके साथ, वो भी देते हैं छोटी सी घंटियाँ, टिंग टिंग टिंग, अगर आपने रमजान में बजाने ना तो उनको उठाने के लिए रोजे में। ओए अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ, ये कौन अवाम है जो ये तो पूरे ड्रेस बनाए में गोल्ड लिए। वाओ, मैं तो इससे इम्प्रेस हूँ बस। ओह खुदाया, अच्छा ये लड़कियों का नहीं है, ये लड़कों का है। आप देखे हो सीधी सी लड़कियों के छोटे हैं। ये सही है भाई, गोल्ड का ड्रेस ले लो, कोई आपको नहीं चाहिए पाकिस्तान में। भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, जिंदगी में मैंने इतना गोल्ड नहीं देखा एक साथ। तो आपको भी लेना हो तो यहाँ आ जाना गोल्ड हाउस, जहाँ पे इनके पास पूरे पूरे कपड़े हैं गोल्ड के। अल्लाह माफ करे भाई, इतना गोल्ड। मैं थोड़ा सा यार गलत था इसके बारे में, डेरा भी काफ़ी खूबसूरत है, आज सब जो न्यू प्लेसेस बनी हुई हैं और उन्होंने बाकी अपना ट्रेडिशन रखा हुआ है संभाल के। अब कोई खाने की जगह जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नज़र तो आ रहा है, कोई स्ट्रीट फूड टाइप जगह, सो लेट्स चेक इट आउट। अच्छा भाई, थक हार के अब गोल्ड सूप में, वो तो भाई उकात से बाहर की जगह, इतने बड़े बड़े सेट थे कि बादशाह भी पहनते हुए दो बार सोचें। तो अभी हम आ गए हैं बुस्तान मंदी, और काफ़ी लोग यहाँ पे रश था, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, किसी से पूछा भी रास्ते में, उसने कहा हाँ ये बड़ी अच्छी मंदी है, ऑथेंटिक टाइप। तो अरबी भी यहाँ काफ़ी बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं, थोड़ा क्राउडेड है, लेकिन देखते हैं क्या। मटन मंदी मंगाई, अब खाना आता है तो देखते हैं कितना अच्छा खाना था। प्राइस बड़ी स्टीप है यार, दो लोगों का खाना 70x5600 रुपये का, लेकिन अब लैम भी खा रहे, दो लैम तो इतना ही का पड़ेगा। हाँ सही है सही है, नहीं इतना महंगा नहीं। मैंने कुछ सूप सा दिए और सैलेड भी साथ दिए, और योगर्ट शोगर्ट, और ये पता नहीं क्या है, टमाटर की चटनी है। नाइस नाइस, अब ट्राई करते हैं सूप कैसा। बाल उड़ गए हैं सारे, मज़ा आया। वो तो चिकन की अपनी है भाभी, सुबह से गला भी ख़राब हो रहा था, मैं यही चाहता कि मुझे इस तरह की चीज़ मिल जाए। टमाटर हैं और ये पता नहीं क्या है, ये भी कोई चीज़ है, चेक करते हैं। प्याज है, मज़े की लग रही है। ये भाई हेवी चीज लैम मंदी, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है क्या बात है। ये है जी मंदी, ओए गरम है यार, चावल भी हेवी है, पहले सिर्फ लैम मंदी, चावल बुस्तान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रॉसी है। इट इज़ मटन, मटन का सूप है, और ये लैम है, गरम इतना है कि वही नरम। ओए होए 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 भाई, गोश्त ऐसा है कि बिल्कुल नरम, बाज़ क्रिस्पी। बहुत गमे, वाह मज़ा आया, नो स्मेली नथिंग।
सुपर नरम याद आ गया क्वेटा थोड़ा सा ये लाल चटनी से ये थोड़े से चावल मिक्स किए अब मजा आ गया सब गुड नो स्मेल और क्वेटा की याद क्या बात है और काफी सस्ती है ये मंदी अगर पाकिस्तान में 15,000 रुपये की मिले और ये तकरीबन 3 बंदे खा सकते हैं दीदी और से 5 बजे अमेजिंग अब ये बर्थ दुबई वाली जगह पे ये ऑपोजिट ही इनके और लगता है कि सिमिलर ही जैसी जगह है ये नाइस ये तो ऐसी जगह है सेम टू सेम अच्छा यहाँ पे इस तरह की ना स्ट्रीट्स बनी हुई हैं वैसे मुझे लगता है ये टूरिस्ट की जगह ही है हैं वैसे कोई इतनी ख़ास महंगी चीज़ें तो नहीं है यहाँ पर यहाँ इतनी कोई ख़ास महंगी चीज़ें नहीं है मगर ये है कि फिर भी मुझे लगता है कि और भी जगहें होंगी दुबई में जो सस्ती होंगी इससे भी हाँ वैसे ही है लेकिन यहाँ बस वो स्कैमर जो है ना जो बेच रहे हैं बैग्स और परफ्यूम्स फेक वाले वो लेने की ज़रूरत नहीं है गुद्दे तलवारें ऑल एंटीक्स ब्यूटीफुल वेरी नाइस लेदर बैग हाँ सूरत यार ये है वो अरेबिक स्टाइल जो मुझे बड़ा पसंद है ऐसे इसके आर्चवेज आप देखें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लालटेन देखो यार अमेजिंग अमेजिंग बहुत खूबसूरत है यार बहुत खूबसूरत जगहें बनाई हुई इन्होंने वेरी नाइस और ये असल दुबई की जगहें हैं एज यू कैन सी ओके सो लास्ट स्टॉप हमारा बर्थ दुबई भी जहाँ उतरे तो यहाँ पे ना जैसे ये सामने बर्थ दुबई है सॉरी देर है और ये बर्थ दुबई है जब हम बैठे हैं बोट जो है ना यहाँ लेके आते हैं तो हमने देखा यहाँ बड़े ये रिवर साइड कैफेज हैं तो हम वहाँ बैठे हैं शीशा पियेंगे और बड़ी कूल सी जगह है बड़ा अच्छा सा हवा की हवा चल रही है आज मौसम भी दुबई का बड़ा प्यारा हुआ है सो या चाय शाय पियेंगे हम मजा करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है यार मतलब चिल करने की जगह है चिल और काफ़ी चीप भी है अलाउंड
समझ लो कि अगर जो मेन जगहों पे 100 है प्राइसेस, तो यहाँ पे 20-30 की बस। और दुबई में अगर आप डकी बहन भाई ना देखें तो क्या हो सकता है? आपको डकी भाई वो डकी, डकी बहन भाई नजर आ गए हमें। ये डकी और की बेगम है, दुबई घूम रही है पर दुबई आए हैं ना इसा। यार ये देख लो मोहम्मद, ये बंदा यहाँ पे गोल्डन कैफे है, इधर ही गोल्डन रेस्टोरेंट इधर पर दुबई भी वाटर फ्रंट पे, तो गोल्डन फिश कैफे। तो ये यहाँ पे आके मोहम्मद अफगानी बंदा है, इसको कहना कि पाकिस्तान से है, बड़ी इज्जत कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है।